and the first thing on my to-do list is the iconic Hawa Mahal, जिसे Palace of Winds और Palace of Breeze भी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं। हवा महल इज अ पैलेस इन जयपुर जिसे 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था एंड ही वॉज ऑल्सो द ग्रैंडसन ऑफ द फाउंडर ऑफ जयपुर। ये पूरा स्ट्रक्चर रेड और पिंक सैंडस्टोन से बना है जिसे लाल चंद उस्ताद ने डिज़ाइन किया था। हवा महल इज लोकेटेड एट बरी चौपर विच इज ऑल्सो कॉल्ड द हार्ट ऑफ द सिटी। हवा महल की कोई डायरेक्ट एंट्रेंस नहीं है बिकॉज इसे एज अ पार्ट ऑफ सिटी पैलेस बनाया गया था एंड इसलिए यू कैन एंटर हियर फ्रॉम दिस साइड। एक बात जो हवा महल की सबसे इंटरेस्टिंग और शॉकिंग है वो ये है कि हवा महल वॉज बिल्ट विदाउट एनी फाउंडेशन। यस, ये दुनिया की सबसे ऊंची ऐसी बिल्डिंग है जिसकी कोई नींव नहीं है। एंड ऑल्सो डिड यू नो कि हवा महल वॉज डिवोटेड टू लॉर्ड कृष्णा, और इसलिए जब आप बाहर से हवा महल को देखोगे ना तो आपको ये कृष्णा के क्राउन की तरह दिखेगा। इस एंटायर पैलेस हैज 953 विंडोज जिन्हें झरोखास भी कहा जाता है, और इन्हीं विंडो से हवा पास होती है विच कीप्स द एंटायर पैलेस कूल। हवा महल को बनाने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि पहले राजपूत रॉयल वुमेन जो लेडीज़ थी घर की, वो बाहर नहीं निकल सकती थी और लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती थी क्योंकि उन्हें अलाउड नहीं था, और इसलिए इन झरोखों के थ्रू वो सिटी की प्रोसेशंस और हसल बसल देखा करती थी। क्या आप जानते हैं कि इस महल में 5 फ्लोर्स हैं जिसमें हर फ्लोर का एक नाम है, जैसे फर्स्ट फ्लोर इज कॉल्ड शरद मंदिर, सेकंड इज रतन मंदिर, थर्ड इज विचित्र मंदिर, फोर्थ इज प्रकाश मंदिर एंड द टॉप फ्लोर इज कॉल्ड हवा मंदिर। आज धूप होने के बावजूद यहाँ इतनी ठंडी हवा लग रही है एंड व्यू तो आप देख ही रहे हैं। Hawa Mahal is also one of the most Instagrammable spots in India. आप हवा महल में कॉम्पोजिट टिकट भी ले सकते हैं जिससे आपको जयपुर के और 6 मॉन्यूमेंट्स का भी एक्सेस मिलता है, जैसे जंतर मंतर, अमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट एंड मेनी मोर। तो अगर आप भी जयपुर आने का प्लान कर रहे हैं देन यू मस्ट ऐड हवा महल टू योर लिस्ट, और आई थिंक मैंने आपको काफ़ी रीजंस दे दिए, राइट? सो इफ़ यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कर्ली टेल्स। दिस इज सोनाक्षी कांगरा, विल सी यू सून।